गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका पूरा घर आपने डिजाइन कर लिया पर अब बारी आ गई है कि आप कर्टेन सिलेक्ट करो या ब्लाइंड सिलेक्ट करो बट आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपकी थीम के हिसाब से कौन सा कर्टेन जाएगा कौन सी ब्लाइंड जाएगी कहाँ पे डबल रोड कर्टेन यूज करना चाहिए कहाँ पे ट्रैक यूज करना चाहिए कौन सा फैब्रिक आपको यूज करना चाहिए वो सब में कंफ्यूज हो रहे हो डोंट वरी ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कर्टेन फॉर योर होम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो सो हाई गाइस आई एम पलक आई एम डिजाइनर यू कैन कनेक्ट विद हर्स इफ यू वॉन्ट एनी प्रोफेशनल डिजाइनिंग सर्विस फॉर योर होम और योर ऑफिस सो यू कैन कनेक्ट विद हर्स ऑन दिस फोन नंबर और दिस ईमेल एड्रेस एंड हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर हम डे टू तो डे इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं सो so, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो राइट नाउ सब्सक्राइब अवर चैनल और ये बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो सबसे पहले बात करते हैं कर्टेंस के रॉड और ट्रैक में क्या डिफरेंस है क्या स्पेसिफिकेशन है आपको क्या चीजें उसमें ध्यान में रखना चाहिए और कैसे बाय करना चाहिए सबसे बेसिक चीज जो रहती है कि रॉड का जो डायमीटर है उसके ऊपर जो कटिंग की रिंग्स आती है वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए जब भी, भी आप कर्टन ओपन या क्लोज करते हो तो रिंग्स वर्क नहीं करेगी तो एक दूसरे के ऊपर तो sure जो भी आपका रॉड का डायमीटर है उससे एटलीस्ट आपकी रिंग का डायमीटर आधे से पौना ही ज्यादा हो उसके बाद जो कर्टन रॉड आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें काफी मटीरियल आते हैं जैसे की हो गया पीवीसी एम एस 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 वुडन तो सबसे बेस्ट मटेरियल जो रहता है वो रहता है एसएस का स्टेनलेस स्टील का क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी रहता है और उसमें रस्ट लगने के चांसेस भी नहीं होते हैं बट आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब भी, भी आप रॉड सिलेक्ट कर रहे हो और अगर आपकी विंडो की लेंथ पांच से छह फुट से ज्यादा है मेक so श्योर sure के बीच में एक आप सपोर्ट एड कर लो और जो भी एस एस का रॉड आप ले रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि अगर आपने हल्की क्वालिटी का ले लिया जैसे कि पीवीसी का हो गया या एमएस का हो गया एस एस में भी अगर हल्की क्वालिटी का ले लिया तो वो ऐसे बेंड हो जाएगा और आपका कर्टेन का जो आपका मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड इट विल लुक रियली बैड सो मेक श्योर टू गो फॉर प्रॉपर क्वालिटी एस एस रॉड नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपको सिलेक्ट करना है फिनेल या सॉकेट तो फिनेल और सॉकेट जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे पहले ये तरीके के मार्केट में आते थे जो कि अभी बहुत ही आउट ऑफ ट्रेंड चले गए हैं तो इस तरीके के फिनियल और सॉकेट आपको नहीं सिलेक्ट करने हैं आपको अभी मार्केट में बहुत ही अमेजिंग अलग अलग फिनिशिंग के फिनियल और सॉकेट आ जाते हैं जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो दिखने में भी बहुत क्लासी दिखते हैं और आपकी अभी की इंटीरियर डिजाइनिंग की कोई भी थीम होगी तो इसके साथ अच्छे से चली जाएगी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी फिनियल और सॉकेट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो दोनों अटैच हो वैसा आपको नहीं सिलेक्ट करना है उसमें बहुत दिक्कत आती है आगे जाके कर्टन के मूवमेंट में भी दिक्कत आ जाती है सो मेक श्योर कि वो दोनों सेपरेट आप सिलेक्ट करो और अपने डिजाइन के हिसाब से और फिनिशिंग के हिसाब से आप उसको कंबाइन कर सकते हो इसकी जो क्वालिटी होती है उसमें आपको ध्यान में वही चीज रखनी है जो मैंने पहले बताया कि ऐसे फिनिश लेना है और रस्ट फ्री होना चाहिए हैवी एसेस होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई उसमें इश्यू ना आए आगे बात करेंगे कि अगर अपने कर्टन अपने रॉड पे लगा रहे हैं और अगर शेयर और सॉलिड दोनों लगाने हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कितना स्पेस रखना है और शेयर कहाँ रखना है सॉलिड कहाँ पे रखना है बट उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये जो हमने

जबकि अगर ट्रैक वाला कर्टेन आपने लगाया हुआ है तो उसके अंदर व्हील्स बने हुए होते हैं। तो उसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूद होता है ट्रैक कर्टेन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है कि अगर कहीं पे आपको कौ लेना है या तो दो वॉल आ रही है आपकी एल शेप में और जहां पे आपको कंटिन्यूअस ट्रैक लेना है तो आप वो रॉड कटेन में कभी नहीं कर सकते उसमें आपको दो अलग अलग ही रॉड लगाने पड़ेंगे दो अलग ही कटेन लगाने पड़ेंगे बट ट्रैक में फ्लेक्सी ट्रैक्स भी आते हैं जो कि आप एक कॉर्नर से अगर आपने स्टार्ट किया तो दूसरे कॉर्नर तक आराम से वो एक ही ट्रैक में वर्क करता है बहुत ही स्मूथली वो वर्क करता है और लिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है यही नहीं आप तीन वॉल पे भी एक ही ट्रैक लगा के उसमें कर्टेन्स की मूवमेंट बहुत ही अच्छे से कर सकते हो कितनी भी हाइट हो अगर डबल हाइट भी है आपके घर की चौदह फीट पंद्रह फीट सोलह फीट वहां पे भी अगर आपने ट्रैक कर्टेन लगा दिया तो कंपेयर टू रॉड वाला कर्टेन ट्रैक कर्टेन बहुत स्मूथली वर्क करेगा ऑल दो अभी मार्केट में ऑटोमेशन भी आ गया है तो अगर इतनी ज्यादा हाइट है तो आई ऑलवेज यूज ऑटोमेशन इन माई प्रोजेक्ट अगर वो हाइट ग्यारह बारह फीट से ज्यादा है सो देट मेंटेनेंस में भी कभी इश्यू ना आए और आपको एक कंफर्ट भी रहता है उसको यूज करने के लिए अभी हम बात करते हैं कर्टेन इंस्टॉलेशन की तो अगर आप रॉड कर्टेन के लिए जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आपकी विंडो की जो वेर्थ है अगर वो 6 फीट है तो आपको रॉड फीट का नहीं लेना है आपको विंडो से दोनों तरफ मिनिमम 6 से नौ इंच रॉड ज्यादा लेना है और वो क्यों ऐसा करना है बिकॉज जब भी उसपे कर्टेन लगेंगे तो वो विंडो जो है आपकी क्लियर दिखेगी वेन यू आर ओपनिंग द कर्टेन ऑन बोथ द साइड अगर आपने विंडो जितना ही रॉड ले लिया तो आपके कर्टेन का जो एंड होता है दोनों तरफ जहां कर्टेन रेस्ट करते हैं वो आपके विंडो के अंदर आ गए तो आपकी विंडो विजुअली भी छोटी दिखेगी पहला पॉइंट और सेकेंडली जो अगर उसमें से लाइट आ रही है एयर आ रही है वो भी कम आएगी तो मेक श्योर sure कि आप एटलीस्ट से छो इंच दोनों तरफ रॉड हो या ट्रैक हो दोनों तरफ आप वो ज्यादा लो ताकि आपको क्लियर विंडो दिखे और आपका रूम और स्पेशियस और बड़ा दिखेगा अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कर्टेन आप जब भी लगाते हो तो कौन सी हाइट से लगाना चाहिए सो so, सबसे पहला और सबसे हाईलाइटर एक मिस्टेक कभी भी नहीं करना है वो कि टन को इस तरीके से लगाना जो कि विंडो के एग्जेट ऊपर है आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप फुल हाइट करटेन के लिए जाओ दैट इज फ्लोर टू सीलिंग हाइट करटेन उससे क्या हो जाएगा उससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके घर की जो हाइट है वो और ज्यादा दिखेगी आपका घर थोड़ा लग्जूरियस लुक ज्यादा देगा अगर आप कुछ इस तरीके का कर्टन लगा दोगे जो कि विंडो के ऊपर से तुरंत स्टार्ट हो रहा है देन ऊपर आपकी वॉल दिख रही है और फिर आपकी सीलिंग आ रही है तो वो काफी हद तक थोड़ा सा चीप लुक दे देगा अगर जैसे आपने होटल्स में देखा होगा स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो सारे कर्टेन स्लो टू सीलिंग टच होते हैं ताकि वो बहुत क्लासी और रिच लुक दे दे ये चीज आपको फॉलो करनी है कर्टेन अगर आप रॉड में लगा रहे हो तो भी और कर्टेन अगर आप चैनल में लगा रहे हो तो भी उसमें और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि अगर आप पीओपी बना रहे हो तो पीओपी में एटलीस्ट सेवन टू नाइन इंचेस जगह छोड़ देनी है जहां पे भी आपका विंडो आ रहा है ताकि ऊपर आपकी चैनल्स आराम से बैठ जाए और आप चाहो तो उसके अंदर एक लाइट भी दे सकते हो विच विल फॉलो योर कर्टेन विच लुक्स वेरी अमेजिंग और बहुत ही लग्जूरियस और क्लासी लुक दे देता है अगर आपको रॉड भी लगाने हैं तो भी आपको सीलिंग टच ही लगाना है बट अगर आपकी जो घर की हाइट जो है वो अगर 12 फीट है और आपकी विंडो की हाइट सेवन फीट है और आपको चाहिए कि नहीं मुझे फ्लोर से सीलिंग टच कर्टेन नहीं लगाना है तो विंडो से एटलीस्ट वन फीट ऊपर तो कर्टेन लगाना ही उससे लेंथ काफी अच्छी दिखेगी बट ट्राई जितना हो सके फुल हाइट कर्टन नहीं लगाओ इसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं जैसे कि अगर आपकी विंडो के ऊपर ही आपका एसी का यूनिट आ रहा है तो आप बोलोगे कि अभी कर्टेन कैसे लगाए फुल हाइट कर्टेन हम कैसे लगाए बिकॉज हमारे विंडो के ऊपर ए आ गया और उसके ऊपर हमारी सीलिंग है सो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो बट एट द सेम टाइम फंक्शनलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आप विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके की प्लाई की पेलमेट बना सकते हो एम की भी बना सकते हो तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी पेलमेट के ऊपर आपका ए लग गया और पेलमेट अंदर से हॉलो होती है सो so अंदर आपके रॉड या ट्रैक्स चले गए कर्टेन के और आपका कर्टेन जो है वो फुल हाइट भी हो गया ऊपर एसी भी लग गया कभी फ्यूचर में एसी का सर्विसिंग भी आया तो आराम से वो एसी निकाल के पेलमेट भी ओपन हो सकती है और सर्विसिंग हो सकती है सेम वे पे अगर कभी कर्टेन का भी आपका सर्विसिंग आता है तो भी वो आराम से हो सकता है सो so, ये हो गया कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है अगर आपके विंडो के ऊपर आप कर्टेन लगा रहे हो तो हाइट का डिस्कशन हो गया एसी आ रहा है तो हेलमेट लगाने का डिस्कशन हो गया ये हो गया हाइट का बात अभी बात करते हैं कि फ्लोर पे कर्टेन जब आप लगा रहे हो तो क्या लेवल पे लगाना चाहिए और उसमें क्या क्या, -क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए उसमें मेजर चार टाइप है एक हो गया जिसको बोलते हैं किस कर्टेन तो वो क्या हो जाता है कि फ्लोर के ऊपर टच हो जाता है सो so उसमें डेफिनेटली मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रहता है बट लुक की अगर बात करें तो बहुत अमेजिंग दिखता है क्योंकि वहां से कोई लाइट नहीं आती है और वो आपको एक सिमलेस लुक देता है जो कि सीलिंग से फ्लोर टच तक है सेकंड आ गया पडल कर्टेन स्टाइल उसमें आपका जो कर्टेन है वो नीचे दो से तीन इंच ज्यादा फ्लोर पे रहता है बहुत लग्जूरियस और थोड़ा रॉयल लुक देता है बट अगेन मेंटेनेंस के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट थर्ड हो गया ब्रेक फ्री कर्टेन उसमें आपका जो कर्टेन है वो एक से डेढ़ इंच ज्यादा रहता है फ्लोर के ऊपर बट अगेन ये जो तीनों आपने टाइप्स देख ली उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा आता है सो so, सबसे कन्वीनियंट इंडियन लाइफ के हिसाब से और इजी वे पे पर अच्छा भी दिखे वो स्टाइल है फ्लोर कर्टन उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो भी कर्टेन है वो फ्लोर से आधा इंच ऊपर रहता है सो so दट आपको जब भी, भी फ्लोर क्लीन करना है रेगुलर डे टू डे लाइफ में जब भी झाड़ू या पोछा हो रहा है सो कर्टन खराब नहीं होते हैं एंड इट ऑल्सो गिवसेंट नाइस लुक पर आधे इंच से ज्यादा ऊपर मत लेना वरना वो बहुत ही गंदा और टैकी लुक दे देगा उसमें लाइट भी वहां से आएगी और ऐसा दिखेगा कि कर्टन आपने गलती से छोटा ले लिया और आपने वहां पे लगा दिया है सो मेक श्योर कि मिनिमम और मैक्सिमम आधे इंच की फ्लोर से ज्यादा जगह हो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए अभी हमने समझ लिया कि सीलिंग में कर्टेन को क्या ध्यान में रखना है लगाते टाइम और फ्लोर में तक वो एंड होने चाहिए अभी बात करते हैं कि कितना कर्टेन का आपको क्लॉथ लेना पड़ेगा फैब्रिक लेना पड़ेगा सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी विंडो है छ फीट की तो आपको जो कर्टेन का फैब्रिक है वो डबल लेना है मिनिमम मतलब अगर छह फीट की विंडो है तो बारह फीट तो मिनिमम लेना है तो ही अच्छे से उसका प्लेट्स वगैरह डिजाइन होगा और अगर और लग्जूरियस और क्लासी और लुक चाहिए जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको मिनिमम छ फीट की विंडो के लिए एन इंच तो दुगना या तिगना मटेरियल लेना पड़ेगा तो आपका जो लुक है प्लेट्स का वो बहुत अच्छा आएगा तीन प्लेट डिजाइन है जो कि बहुत ही अमेजिंग लगते हैं और मेरे भी फेवरेट है वो है सबसे पहले आपका आ गया रिपल देन पिंच एंड देन वॉक्स ये तीनों एवरग्रीन रहते हैं और दिखने में भी बहुत अमेजिंग दिखते हैं अभी बात करते हैं कि अगर आपकी विंडो साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है तो आपको 100% परसेंट ब्लैकआउट कर्टन के लिए जाना चाहिए बिकॉज ज्यादा सनलाइट वहीं से आती है तो अगर आपने ब्लैकआउट कर्टन या शियर सॉलिड कर्टन यूज किया है तो काफी बेनिफिशियल रहता है अगर आपके घर की विंडो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सॉलिड शियर या तो ब्लैकआउट कटन के लिए जा सकते हो अदरवाइज नॉर्थ डिरेक्शन की विंडो के लिए यू कैन ऑल्सो गो

because it is very expensive. अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है बट डे टू डे लाइफ में इसको मेंटेन करना भी बहुत डिफिकल्ट आ जाता है जो भी फैब्रिक आप सिलेक्ट करते हो आप अपने कर्टन वेंडर को बोलिए कि जीरो मेंटेनेंस इसका रहता है ताकि अगर आपके घर में बच्चे हैं या बैठे है और कर्टन के ऊपर कोई भी स्टेन लग गया है तो इजिली वो वाइप हो जाए पूरा कर्टन आपको रिमूव करके ड्राई क्लीन करने की जरूरत ना पड़े वैसे अगर कर्टन फेब्रिक के लिए जा रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है डेफिनेटली वंस इन अयर यू कैन कॉल सर्विस प्रोवाइडर एंड दे कैन रिमूव द कर्टन एंड डू द ड्राई क्लीनिंग बट डे टू डे लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल well सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट की जीरो मेंटेनेंस कर्टेन फेब्रिक आते हैं बहुत अच्छे लुक में आते हैं वैसे जाओ जब भी आप उसका कलर सेलेक्ट करते हो देन आई ऑलवेज प्रीफर न्यूट्रल कलर टोर फॉर करटे उसमें बहुत लाउड कलर्स के लिए मच जाइए बिकॉज ऑलरेडी आपके घर में आपने डिजाइनिंग कर दिया है जिसमें कलर आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी इफ यू लाइक कलर यू कैन गो फॉर पेस्टल कलर्स यू कैन गो फॉर फ्लोरल डिजाइन ऑल्सो बट नॉट दिस काइंड ऑफ फ्लोरल डिजाइन अभी जो ट्रेंडिंग फ्लोरल डिजाइन जो है वो कुछ मोनोक्रोमेटिक इस तरीके की दिखते हैं जो बहुत अच्छी दिखते हैं

ब्लाइंड uh, काफी ऑप्शन आता है जिसमें से मेरा फेवरेट जो है वो वेनिशन ब्लाइंड है उसमें क्या हो जाता है कि आपको न्यूट्रल कलर ऑप्शन मिलते हैं उसमें यू ऑल्सो ऑप्शन कि अगर आपको एक डिरेक्शन में सनलाइट चाहिए तो आप एंगल वाइज भी वो ब्लाइंड को आप सेट कर सकते हो रोमन ब्लाइंड की बात करें तो उसका बेनिफिट ये है कि आपने जो भी कर्टेन का फेब्रिक सेलेक्ट किया है उससे ही आप रोमन ब्लाइंड बना सकते हो फिर आ जाता है आपका रोलर ब्लाइंड आ जाता है जिब्रा ब्लाइंड एंड मोस्टली कमर्शियल यूज में होता है बिकॉज उसमें शीयर और सॉलिड का मिक्सचर होता है तो अगर आपको थोड़ा सा लाइट चाहिए तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो पूरा ब्लैक तो से भी एडजस्ट कर सकते हो सो दिस इज ऑल अबाउट कर्टेन कर्टेन कैसे करना है है क्या चीजें ध्यान में रखनी कहाँ पे यूज कर सकते हैं कौन सा फेब्रिक और कौन सा कलर सिलेक्शन करना है बट अगर इसके बाद भी अगर आपको कर्टेन सिलेक्ट करने जा रहे हो और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको और कंफ्यूजन है तो डोंट वरी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी एड कर दीजिए एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपकी वो क्वेरी सोल्व करें और ऐसी ही और टिप्स और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू